सब कुछ ओके है। और जरूरत 7 लाख तो हम कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेकेंड डोज के लाभार्थी जो हैं वो सेकेंड डोज से वंचित हो जाएंगे। तो कल मैंने हर्षवर्धन जी से निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी, कम से कम जिसको एक डोज लग गया है उसके दूसरे डोज के अधिकार से तो वंचित नहीं किया जाए। और मैं बता रहा हूँ 30 मार्च से 11 मई तक का आंकड़ा, मतलब 11 मई तक के लिए ये था। और इसके बाद यदि हमको फिर से वैक्सीनेशन करना होगा तो फर्स्ट डोज के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है, सेकंड डोज के लिए भी आवश्यकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हम लोगों ने 25 लाख कोविडशील्ड और 25 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है, और जिसमें हम लोगों को मात्र जो है 1,34,000 कोवैक्सीन और 1,00,000 कोविडशील्ड प्राप्त हुआ, मतलब 2,34,000। अब आप हमको ये बताइए कि 2,34,000 यदि हमको कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दिए जाएंगे तो हम कितने दिन तक हम अपने राज्य की जनता को इस लाभ से लाभान्वित कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि किस तरीके से इस झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। 1,557 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का निर्णय भारत सरकार लेती है, और उस निर्णय में झारखंड ट्राइबल पिछड़ा राज्य केवल एक प्लांट का अधिकारी होता है, एक प्लांट लगेगा चाईबासा में। आप बताइए कि 1,057 में भी हमारा नंबर एक है क्या? हमारा साहबगंज, पाकुड़, हमारा जो है गढ़वा, गोड्डा, जहाँ पर हमको रिफिलिंग की भी प्रॉब्लम है और वहाँ रिफिलिंग की भी सुविधा को हमको जो है रामगढ़ या रांची या जमशेदपुर पे ला के करना पड़ रहा है, तो क्या हमारे जो जितने हमारे माननीय सांसद हैं बातों को समझना भी पड़ेगा। ये विपत्ति का समय है और हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी कल से मास लेवल पे ये अभियान शुरू हो रहा है और हर चीज़ों पर हम नज़र रखे हुए हैं। सरकार से भी हम लाइनिंग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से, कि जितने 1,20,00,000 लोग जो आइडेंटिफाइड हैं 18-45 या उसके अलावे भी जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे तय समय सीमा के अंदर हम वैक्सीनेट कर सकें, इसके लिए कवायद जारी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों को वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। वैक्सीनेशन हमें सभी लोगों का सुनिश्चित कराना है। अच्छा, ये पत्रकारों के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, क्योंकि तेलंगाना सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।